शोले, नास्तिक, कालिया और लावारिस सरीखी गई फिल्मों में अमिताभ बच्चन और अमजद खान को स्क्रीन शेयर करते देखा गया। अधिकतर फिल्मों में एक दूसरे के खिलाफ खड़े नजर आते ये दोनों कलाकारों में पक्की दोस्ती हुआ करती थी। साल 1978 में फिल्म ग्रेट गैम्बलर की शूटिंग के लिए अमजद खान पूरे परिवार के साथ गोवा जा रहे थे। तभी गोवा हाईवे पर उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। कार अमजद ही चला रहे थे। इस एक्सीडेंट में पत्नी बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए। सभी को पनाजी के मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया। इस एक्सीडेंट की खबर मिलते ही अमिताभ के साथ ग्रेट गैम्बलर की पूरी टीम पनाजी पहुंची। अमजद खान की पत्नी और बच्चे बुरी तरह घायल थे, लेकिन अमजद की हालत बहुत गंभीर थी। उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी और फेफड़े भी बुरी तरह से प्रभावित हो चुके थे। खून बहुत ज्यादा बह चुका था, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे कोमा में जा रहे थे। अमजद की इस हालत को देखते हुए डॉक्टर्स ने तुरंत ऑपरेशन करने की सलाह दी, लेकिन ऑपरेशन से पहले कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने पड़ते हैं। इसके लिए परिवार का कोई भी सदस्य वहां मौजूद नहीं था। स्थिति में अमिताभ सामने आए और उन्होंने अपने दोस्त को ऑपरेशन के लिए डॉक्यूमेंट साइन किया। साथ ही अमजद को खून की कमी भी हो रही थी, जिसके लिए अमिताभ ने अपना खून भी दिया। जब तक अमजद खान को होश नहीं आया, अमिताभ हॉस्पिटल के बेंच पर बैठे रहे और अमजद के ठीक होने के लिए भगवान से प्रार्थना करते रहे। अमजद को होश आया और वो कुछ बेहतर हुए तो उनको मुंबई के नानावटी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, जहां वो धीरे धीरे रिकवर हुए और फिर फिल्मों में कुछ सालों बाद सक्रिय हुए। कहा जाता है कि इस एक्सीडेंट के बाद ही अमजद का वजन बढ़ने लगा था। दरअसल उनके बढ़ते वजन की वजह दवाइयों का रिएक्शन था। बढ़ते वजन की वजह से उनको कई स्वास्थ्यगत परेशानियां हुई। अमजद खान का 27 जुलाई 1952 को महज 52 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन के बाद रुदाली, बेचैन, अनोखी चाल समेत उनकी तकरीबन 10 फिल्में रिलीज हुई थी।